बच्चों आज नाइन्थ क्लास के लिए त्रिकोणमिति का पाठ है, जिसको कि मैं उसकी प्रारंभिक जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। तो तुम बड़ा ध्यान से देखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं और त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, और उसके जो छोटे छोटे कारण होते हैं उनको आप जानने की प्रयत्न जरूर कीजिएगा। त्रिकोणमिति का पाठ है बच्चों। त्रिकोणमिति में सबसे पहले एक चीज याद रखना कि जो भी हम प्रश्न करते हैं जो कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध बताता है, और जितने भी हम क्वेश्चन त्रिकोणमिति के करेंगे तो सभी प्रश्न समकोण त्रिभुज में हल किए जाते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब आपने मालूम होगा, और समकोण ऐसे कहते हैं, कोण 90 का होता है। ए लिखा, बी लिखा मैंने, सी लिखा, और ये पता है कि समकोण के इस वाले भाग को हम यदि हम बच्चों कोण कहते हैं तो कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, और कोण कोण की जो सहायक साइड होती है इसको हम आधार कहते हैं, और 90 के सामने की भुजा को हमेशा कर्ण कहा जाता है। ये तो मैंने एक प्रकार बताया कि ऐसा समकोण त्रिभुज होता है, ये तो एक तरीका है कि ऐसा समकोण त्रिभुज होता है, पर कि नहीं हम समकोण त्रिभुज ऐसा बना के देखें अलग अलग। अब होता क्या, किताब में एक प्रकार का डायग्राम है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो 90% हमारा ऐसा रहता है कि जैसा बुक में दिया वैसे ही बना, पर ऐसा नहीं है। यदि 90 डिग्री ऐसा है और एंगल है, ये मैंने एंगल का नाम लिया, ये एंगल की जो फ्रंट साइड है, एंगल की जो फ्रंट साइड है इसको हम हमेशा कोण कहते हैं। यदि कोण लिखा है मैंने ये लाल निशान से, तो सामने की भुजा हमेशा ये होगी, लंब होगी, और कोण के साथ वाली भुजा, ध्यान देना, कोण के साथ वाली भुजा, ये वाली भुजा भी साथ कहलाती, पर कोण के साथ की भुजा हमेशा आधार होगी, और 90 डिग्री के फ्रंट की भुजा जो हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है, किसी बच्चे ने डायग्राम ऐसा बनाया, किसी ने डायग्राम यदि मान लीजिए उल्टा इस तरीके से बना लिया, तो अपने आप ऐसा नहीं कि इसके ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, और 90 डिग्री है तो 90 के सामने की भुजा फिर कर्ण कहलाएगी, कोण है, कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, और कोण के साथ सहायक भुजा एडजेसेंट साइड को हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। अब इसमें मैं फिर एक बात बताऊं कि कभी कभी क्या होता है कि ये डायग्राम ऐसे बना दिया मैंने, इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनाया, बिल्कुल आप व्यवहारिक तौर पर ध्यान दीजिएगा कि केवल इस तरीके से डायग्राम यदि किताब में बना हुआ है तो उसको हम केवल समकोण नहीं बोलेंगे। अभी जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ये भी समकोण त्रिभुज है, और ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ लाल पेन से, ये इसके 90 डिग्री मतलब समकोण है, और ये मैंने कोण लिया, यहाँ पर हमने जो लिखा इसको थीटा लिखा। कोण का जनरली जो दिखाया जाता है रिप्रेजेंटेशन होता है विथ एंगल थीटा कहा जाता है, कोण को थीटा कहते हैं। अब इसमें जो 90 लाल रंग से लिखा है, 90 कर्ण के सामने की भुजा को तो हमने क्या कह दिया, कर्ण कह दिया बच्चों,
और जो कोण होता है कोण के सामने की भुजा, कोण होता है कोण के सामने की भुजा को हम हमेशा लंब कहते हैं, और जिसके साथ कोण बनता सहायक भुजा वो हमारे लिए आधार होती है। मैंने बस एक बात बताई कि मान लो कि मेरे पास त्रिभुज इस तरीके से, ये मैंने त्रिभुज लिखा और मैंने लिखा नहीं ये वाला जो कोण है, आप ये वाला कोण है 90 डिग्री का है, इसको मैंने ए बी और सी लिखा, तो 90 डिग्री ये लिखा, तो सामने की भुजा तो ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, है ना। और कोण इस बार हमने कोण को ये लिखा है। मैंने बच्चों आप ध्यान देना बिल्कुल क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट, एक तरीके के चित्र देखते देखते हम नहीं समझ पाते हैं। 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहा मैंने, थीटा के सामने की भुजा को थीटा, कोण है कोण के सामने की भुजा लंब लिखा, कोण के सामने की भुजा को लंब लिखा, 90 के सामने की भुजा को कर्ण लिखा, और जो कोण के जो सहायक भुजा, कोण के जो साथ की भुजा, इसको हमने क्या लिखा, आधार लिखा। यहाँ पे कोण के जो साथ की भुजा, इसको हमने क्या लिखा, आधार लिखा। तो ये हमेशा 90 के सामने की जो भुजा है वो कर्ण, और कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, और कोण के साथ वाली जो भुजा होती है इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये याद रखने की चीज है, ऐसा नहीं कि एक तरीके का डायग्राम बन जाता है। डायग्राम कैसे भी बने हमें उससे क्या करना है, डायग्राम यदि मैंने ऐसे बनाया डायग्राम और ये ऐसे बनाया डायग्राम, ये त्रिभुज मेरे सामने दिख रहा है, यहाँ पर ये ए लिखा, यहाँ बी लिखा, फिर सी लिखा, मैंने हमने कहा कि बताओ इसमें क्या क्या है, और हमने कहा नहीं ये वाला जो है ये 90 डिग्री दिख रहा है मेरे को, 90 डिग्री के सामने की भुजा को हमने कर्ण लिख दिया, हार्टोनियस कहते हैं अंग्रेजी में इसको, दिस साइड इज कॉल्ड हार्टोनियस, हाइपोटेन्यूज, और ये कोण लिखा मैंने, एंगल लिखा यहाँ पे थीटा, थीटा के सामने की जो भुजा, फिर ये अपने आप क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और कोण के जो साथ की जो संलग्न भुजा होती है इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो ये मेरा बताने का कारण क्या है कि आप जितने तरीके से चित्र बना चाहो बना लो, किताब में किस कोई सी भी आकृति दी है तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि लंब आधार और कर्ण क्या होता है। सबसे पहले हमको बेसिक स्टार्टिंग पता होना चाहिए कि लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, और कर्ण किसको कहते हैं। ये यदि प्रारंभिक जानकारी हमारे पास आ जाती है तो हम फिर आगे के सवाल आसानी से करने लगते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये चीज जरूर ध्यान देना। अब बहुत छोटी सी बात है जो बुक में जो तुम्हारे दिया हुआ है कि हम त्रिभुज में फिर आखिर क्या रिलेशन कैसे डेवलप होता है, तो आप ध्यान देना कि मैंने एक चित्र बनाया यहाँ पर, एक सिंपल बात लिखी यहाँ पर, लिखा ए बी सी लिखा, और ये कोण लिखा मैंने, थीटा मान लिया यहाँ पर कोण। तो कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं इसमें, साइन होता है, कॉस होता है, छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, है ना। साइन एक एक शब्द होता है, साइन एक वर्ड लिखा है मैंने, साइन थीटा लिखा, साइन थीटा लिखा। अब इस साइन का मतलब क्या होता है कि भुजाओं का अनुपात, बच्चों ध्यान देना कि अब इसमें मैंने ये भुजा हो गई लंब हो गई, ये वाली भुजा हो गई आधार कहलाती है, और 90 के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब एस आई एन ई जनरली हम जब व्यवहारिक उपयोग करते हैं तो इसको केवल ऐसा लिखा जाता है, केवल साइन लिखा जाता है, या इसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो साइन का जो लिखा है, साइन लिखा है जो लिखा है यहाँ पे, ज्या कहते हैं हिंदी में साइन को, जो है जो प्रोनाउंसिएशन है इसमें बेटा, इसको ज्या कहते हैं यहाँ पे। तो ये कई चीजें हैं, कोई भी आप इसमें से नोटेशन आप ले सकते हो। बट व्हाट इज साइन थीटा, तो रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ द इन राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड साइन थीटा। तो साइन लिखा मैंने, ज्या लिखा या एस आई एन ई साइन लिखा, तो ये जो लंब लिखा, लंब लंब मतलब लंब आप कहते तो ऐसा है कि कोण के सामने की भुजा और कर्ण के अनुपात को बोलने में तो ये आता है, किताबों में तो ये लिखा हुआ है कि कोण के सामने की भुजा रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल एंड हाइपोटेन्यूज। पर अब आप तो शॉर्टकट में देखो कि क्या बोलते हैं कि कोण के सामने की भुजा लंब हुई, लंब और कर्ण इनकी भुजाओं का ये जो अनुपात होता है, मतलब किस भुजा का, ये भुजा लंब और भुजा ये कर्ण, लंब की और कर्ण की भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, लंब और कर्ण,
वैसे बोलोगे तो क्या लिखोगे, कोण के सामने की भुजा और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं, या क्या बोलोगे, फॉर एंगल थीटा द रेशियो ऑफ परपेडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस इज कॉल्ड साइन थीटा। अपना अलग अलग तरीका है, पर बेसिक तरीका क्या है कि परपेंडिकुलर और कर्ण, मतलब लंब और कर्ण के जो अनुपात होता है, लंब का मतलब इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और एच कर्ण को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस, शॉर्ट में लिखा जाता है पी अपॉन एच, लंब बटे कर्ण, ये जो अनुपात कहलाता है इसको हम क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। और हमने कहा त्रिकोणमिति है क्या, तो त्रिकोणमिति केवल भुजाओं के अनुपातों का एक प्रकार का चक्र है। हर भुजा का अनुपात एक नई परिभाषा को बनाता है, हर भुजाओं का जो अनुपात है, हर भुजाओं के जो रेशो, नई परिभाषा को बच्चों दिखाता है। अभी बहुत प्रारंभिक अवस्था में ज्या किसे कहते हैं, कोज्या किसे कहते हैं, मैं बताऊंगा कि ये तो सबसे पहले साइन की बात मैंने की, पर हम कहें कि इसके बाद कॉस किसे कहते हैं। यहाँ पे फिर मैंने ट्रायंगल बनाया यहाँ पे आपको बताने के लिए, ये जैसे लिखा है यहाँ पर, ये ए लिखा, ये फिर बी और ये सी, और कोण थीटा लिखा, तो कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये साथ वाली भुजा आधार, और 90 के सामने ये क्या कहलाएगा, ये बताओ, कर्ण कहलाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, कॉस थीटा, और इसको कॉस लिखते हैं, इसको कोसाइन भी लिखा जाता है, इसको कोज्या कहते हैं बेटा, कोई एक शब्द का इस्तेमाल होता है, पर ज्यादातर जब बोलचाल पे हम इसी कॉस थीटा का यूज करते हैं, कॉस बोले, कोसाइन बोले, या कोज्या बोले। तो समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को साइड एडजेसेंट टू एंगल, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा एंड हाइपोटेन्यूस, रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा एंड हाइपोटेन्यूस इज कॉल्ड कॉस थीटा, या कोसाइन, या कोज्या। पर यहाँ पर कैसे पढ़ोगे बेटा, ये जो आधार है और ये कर्ण है, आधार और कर्ण का अनुपात लिखा मैंने यहाँ पे कर्ण, इस अनुपात को हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं। आधार और कर्ण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं। अब वो लिखा जाता है यहाँ पे, जनरली हम इसको लिखते हैं बेस अपॉन क्या लिखा जाता है, हाइपोटेन्यूस लिखा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, आधार और कर्ण इन दोनों रेशियो के, मतलब इसके और इस रेशियो के अनुपात को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा, ये अंग्रेजी में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या कहलाता है, कॉस थीटा कहलाता है। बिल्कुल आप ध्यान देना, ये आधार ये और कर्ण इन दोनों भुजाओं के अनुपात को हम कहते हैं, पहले भुजाओं के अनुपात मतलब पहले आधार और फिर क्या लोगे, कर्ण लोगे, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं। इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं। फिर इसके बाद तीसरी तीसरी जो परिभाषा है, तीसरी परिभाषा है जिसको हम टेंजेंट कहलाता है, तीसरी परिभाषा बच्चों ये टेंजेंट कहलाता है। और जब टेंजेंट को ऐसा लिखा जाता है, टेंजेंट कहलाता है, या इसको हम अपने यूज करते हैं तो टेन थीटा कहते हैं, कहलाता है, पर हम जब यूज करते हैं तो इसको टेन थीटा कहते हैं। तो जो टेंजेंट होता है वो लंब, लंब ये वाली जो कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो टेंजेंट बराबर कितना होता है, लंब बटे कितना होता है, आधार कहते हैं, या इसको परपेंडिकुलर अपॉन क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। टेंजेंट मतलब क्या हुआ, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, द रेशियो अपॉन बेस, साइड साइड रेशियो, साइड परपेंडिकुलर एंड साइड बेस इज, दिस रेशियो इज कॉल्ड टेंजेंट, या लंब और आधार की भुजाओं के अनुपात को, पहले लंब बाद में आधार, पलट पलट नहीं सकते आप इसको, पहले लंब बाद में क्या होगा, आधार, इन भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, टेन टेन थीटा। जो व्युत्क्रम है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसको कॉसेंट कहलाता है, ये COSECANT कॉजेंट कहलाता है, या इसको हम कॉट कहते हैं, इसको कॉजेंट कहलाता है, टी कॉजेंट कहलाता है, या कॉट थीटा कहते हैं, ये कॉजेंट कहलाता है या कॉट थीटा कहलाता है। ये जस्ट उसका उल्टा होता है, आधार और बटे इसका क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। ये यहाँ पे बेस अपॉन कितना होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, पहले वाले का जस्ट ये रिवर्स कहलाता है। यदि टेन बराबर लंब बटे आधार है, टेन बराबर लंब
बराबर है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो कॉस कॉट सीओटी कॉट कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, लंब बटे बराबर हो जाएगा आधार बटे कितना हो जाएगा लंब हो जाएगा। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन कितना होगा परपेंडिकुलर होगा, जस्ट उसका क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाता है। ये दोनों का सिमिलरिटी है, याद रखना। साइन का भी होता है कॉस का भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो है सिकेंट है और कॉटजेंट है, तीन दो रेशियोज और कहलाते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल कैसे इसको हम लेते हैं। दो रेशियो लिया है मैंने, सिकेंट का मतलब होता है कि जो हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस और बेस का रेशियो कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको आधार कहते हैं हाइपोटेन्यूस, या अंग्रेजी में कहेंगे हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, दिस रेशियो इज कॉल्ड सिकेंट थीटा, या आप दूसरे भाषा में इसको इस तरीके से लिखते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस कर्ण, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा कर्ण, और बटे कितना कहलाता है आधार कहलाता है, या शॉर्ट फॉर्म में जब लेते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कि हाइपोटेन्यूस अपॉन कितना बेस कहलाता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस कहलाता है, कर्ण बटे आधार कहलाता है, ये ध्यान रखना। और लास्ट में इसका है कॉटजेंट कहलाता है, कॉटजेंट कहलाता है आपके। कॉर्डियन कहलाता है, कॉर्डियन का मतलब होता है ये हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको कि हम कॉसेक थीटा कहते हैं, कॉसेक थीटा कहते हैं, ध्यान देना कॉसेक थीटा कहलाता है इसको बच्चों। तो ये कहलाता है हमारा कर्ण, और बटे क्या कहलाता है लंब कहलाता है, कर्ण बटे लंब कहलाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर से सारी चीजों को रिव्यू कर देता हूँ, और मैं बताऊं, मैं एक बार ध्यान देना बच्चों, मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूं। साइन को हम जनरली साइन थीटा लिखा जाता है, कोसाइन को बच्चों ध्यान देना, जो कोसाइन जो है उसको हम कॉस थीटा लिखते हैं यहाँ पे, और इसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट को हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा टेन थीटा लिखते हैं, और कॉटजेंट सीओटी कॉटजेंट कॉटजेंट बेटा ये ध्यान देना, यहाँ पे पिछली बार ये गलत हो गया था, कॉटजेंट है, कॉटजेंट को यहाँ पे क्या लिखते हैं कॉट थीटा लिखते हैं कॉटजेंट को, और साइन है कोसाइन है टेंजेंट है कॉटजेंट है, और इसके बाद जो सेक कॉसेक है कॉसेक थीटा, कॉसेंट जो है इसको हम यहाँ पे कॉसेक थीटा कहते हैं, और लास्ट जो सिकेंट जो है सीकेंट है उसको हम यहाँ पे सेक थीटा कहते हैं। अब बिल्कुल ध्यान देना बेटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है पी अपॉन एच, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन कितना होता है बेस, इस तरीके से सिक्वेंस चलता है पी अपॉन एच। पहला होता है साइन का बेटा, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पी अपॉन एच, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉसेक का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ये सीक्वेंस चलते हैं, इस तरीके से याद रखा जाता है इनको। मैं एक और चीज बताता हूँ जो कि याद करने में बहुत सहायता रहती है बच्चों, इस तरीके से आप ध्यान देना। यदि मैंने पहले पहला रेशियो लिया साइन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक इसका रेसिप्रोकल आप कह सकते हो यहाँ पर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन
परपेंडिकुलर, दूसरा जो रेशियो है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, रिवर्स है, उल्टा है, रेसिप्रोकल कहलाता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ऐसे ज्यादा याद करना सरल रहता है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका जो रिवर्स होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन कितना होता है परपेंडिकुलर, इस तरीके से रिवर्स चलता है। साइन इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉसेक इज इक्वल टू एच अपॉन पी, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और सेक इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, टेन इज इक्वल टू पी अपॉन बी, कॉट इज इक्वल टू बी अपॉन पी, टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन सुनेंगे पानी पा गए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, sin इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cosec इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये बिल्कुल इन चीजों को ध्यान देना, इन चीजों को बिल्कुल ध्यान देना, और इसी तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री को हम जनरली याद करते हैं। और अब इसके बाद छोटी चीजें हैं वो जरूर याद रखना, मैं आगे बताता हूँ। अब कैसे रिवर्स करते हैं आप बिल्कुल ध्यान देना। मैंने बच्चों यहाँ पर साइन थीटा बराबर लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लिखा, तो आप दूसरे स्लाइड में देखोगे इस हाइपोटेन्यूज को यहाँ से मैंने हटा दिया, इस हाइपोटेन्यूज को मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर को हटा दिया और नीचे लिखा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और ये जो यहाँ पर वन लिखा जाएगा ये पी जो है वो शिफ्ट होके जब नीचे जाएगा तो एच के नीचे जाएगा, तो वन अपॉन कितना होगा एच अपॉन पी होगा। और आप जानते हो मैंने अभी बताया था हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं कॉसेक थीटा कहते हैं। तो मिला के क्या हुआ कि साइन थीटा जो है इसका इक्वल टू यदि हम कहें कि पी अपॉन एच होता है तो कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है एच अपॉन पी होता है। जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि यदि साइन थीटा बराबर यदि वन अपॉन, मैंने बिल्कुल देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि मैंने कैसे इसको लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा, तो ये कॉसेक थीटा का भी मतलब हो जाएगा वन अपॉन कितना हो जाएगा साइन थीटा। ये एक तरीका है याद करने का, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो उनको ये पता चलेगा कि ये आते रिजल्ट आते कहाँ से हैं, साइन बराबर कहाँ से आता है, उसका रेसिप्रोकल जो कह सकते हो यहाँ पे कॉसेक बराबर कहाँ से आता है। साइन इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक होगा तो कॉसेक इक्वल टू कितना होगा वन अपॉन साइन होगा। ये जो रिवर्स होता है जरूर आप देखना, मैं और भी आगे बताता हूँ। जो है दूसरा पैटर्न है बेटा, ये कॉस थीटा लिखा मैंने, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा, इस बेस को यहां से हटा दो तो हाइपोटेन्यूज के नीचे जाएगा और वन अपॉन एच अपॉन बी का मतलब होता है सेक थीटा होता है। तो आपने देखा क्या कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा लिखा, उसी प्रकार मैं क्या लिखूंगा सेक थीटा इज इक्वल टू वन क्या लिखूंगा cos थीटा। ये बिल्कुल क्रम है याद रखने का क्रम है, sin cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec तो sec इज इक्वल टू 1 अपॉन cos। अब इसको देखो मिला दें हम यहाँ पे इन आपस में मिला दें तो क्या हो जाएगा कि cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू कितना होगा 1, एक प्रकार की ये सर्व समीका बन जाती है। आप इधर भी देखोगे यदि हम इनको भी आपस में मिला देते हैं आपस में तो क्या बनेगा बेटा sec थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी बात लिखने का या तो sec इंटू कॉस इक्वल टू 1 या cos इंटू sec थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बस आपको याद भर रखना है
उसके बाद टेन थीटा के क्रम में हम आते हैं नीचे, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इस पी को यहां से हटा देंगे तो वन अपॉन बेस अपॉन कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, वन अपॉन ये जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है इसको लिखोगे कॉट थीटा लिखोगे तो फाइनल रिजल्ट कितना बनता है, टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, या इसको आप ऐसा लिख सकते हो कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कितना होगा बेटा, टेन थीटा होगा, एक ही बात है, टेन इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट तो कॉट इज इक्वल टू वन अपॉन टेन। और फिर इसको यदि हम ऐसा मिलाते हैं, हम कहेंगे नहीं इनको मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलके बन के आता है बच्चों टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, वन आएगा। और इस तरफ भी जाके देखोगे यदि इनको भी आपस में मिलाए प्रकार की सर्वसमिका बन जाती है कि कॉट थीटा और इंटू मैंने क्या देखा टेन थीटा, तो ये भी कितना बन जाता है, वन बन जाता है। बात वही है कि आप कैसे याद रखना, बस बच्चों को याद रखने की जरूरत है कि कैसे याद रखें हमारे बच्चे, तो याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों कि हमको याद रहना चाहिए कि कैसे होता है। दो छोटी छोटी सरसमिकाएं हम और बताते हैं आपको, वो भी आप काम की चीजें हैं, उपयोगी चीजें हैं, कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ बेटा। इसके बाद एक और तरीका है याद रखने का, टेन थीटा इज इक्वल टू मैं बिल्कुल लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा, बच्चों आप देखो कि ऊपर लंब और नीचे कितना लिखा है आधार, इस तरीके से ध्यान देना। यदि हिंदी में पढ़ते हैं तो अपन क्या करते हैं लंब बटे कितना पढ़ते हैं आधार पढ़ते हैं, ध्यान देना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब हमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन एच, एच का ऊपर भी भाग दिया और दोनों में एच का भाग दे दिया मैंने, मैंने किसका अतिरिक्त क्या काम किया, मैं लाल निशान से बता रहा हूँ गोले से, ये एच का ऊपर भी भाग दिया और एच का मैंने नीचे भी भाग दिया, जो गोला लगाया मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्स्ट्रा एक्टिविटी की है, लंब को कर्ण से भाग दिया और नीचे आधार को भी हमने कर्ण से भाग दिया, तो आप देखोगे कि जो पूरा राउंड है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो बन जाता है वो साइन थीटा बन जाता है और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वो बन जाता है बच्चों ये कॉस थीटा बन जाता है। एक प्रकार का ये नया फॉर्मूला तो याद रखने ही पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा कि टेन थीटा बराबर एक और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा साइन थीटा और अपॉन कितना होता है कॉस थीटा, बिल्कुल ध्यान देना टेन थीटा का नया फॉर्म कितना होता है साइन थीटा अपॉन कितना होता है कॉस, कैसे होता है वो मैंने आपको लिखा है सामने स्क्रीन पर, टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस कैसे होता है वो मैंने लिख के दिया है सामने दिख रहा होगा आपको, कैसे होता है वो मेन कारण समझ, तो बच्चे क्या रटते रहते हैं, क्या होता है बच्चे उसको याद रखते रहते हैं टेन साइन कॉस याद करते रहते हैं, पर आपको जो मैंने पैटर्न बताया वो उसका रूट बताया कि आप ऐसे इसको बना सकते हो अपने मन से, अपने मन से आप इसको समझा सकते हो बना सकते हो, इसलिए मैंने उस चीज को बनाया है, आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा। उसी प्रकार इसमें दूसरा भी होता है कॉट का भी बनता है बच्चों, जैसे हम कॉट को कैसे बनाते हैं, मैंने सिंपली लिखा यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस और अपॉन कितना होता है परपेंडिकुलर, या हिंदी में जब हम कहेंगे कॉट थीटा बराबर होता है आधार और बटे कितना होता है लंब होता है, पलट जाता है बच्चों। फिर यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा और नीचे भी परपेंडिकुलर अपॉन कितना लिखा हाइपोटेन्यूज लिखा, ऊपर क्या लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा और नीचे भी कितना लिखा, ऊपर कितना लिखा बेस अपॉन कितना लिखा हाइपोटेन्यूज, नीचे भी कितना लिखा पी अपॉन कितना लिखा एच लिखा यहाँ पे, तो ये जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है ऊपर ये हो जाएगा C
COS cos theta हो जाएगा, ऊपर का मतलब cos हो जाएगा और इसका मतलब क्या हो जाएगा sin theta। तो कुल मिला के हम एक नई चीज सीख लेते हैं कि cot theta को यदि हम लिखें तो cot theta का cos theta और अपॉन कितना होता है sin theta होता है। तो बच्चे दो चीजें समझ में आती हैं, एक की बात करेंगे तो ये क्या होगा, क्या होगा sin theta बटे कितना होगा cos theta होगा, और cot theta की बात करेंगे तो हम कितना होगा cos theta और बटे कितना होगा ये sin theta होगा। ये अपना तरीका है याद करने का और आपको भी याद रहना चाहिए। तो कुल जितने भी मैंने फार्मूले बताया उसको मैं एक बार फिर समराइज करता हूँ कि जैसे याद बात है। पहले एक प्रकार देखना बच्चे कि साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया वन अपॉन कॉस थीटा, या जब इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, इसको जब इसके साथ शिफ्ट करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा वन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू वन जो सेकेंड फॉर्म है, या कॉस इक्वल टू कितना लिखोगे वन अपॉन साइन थीटा, या इसको भी आपस में मिलाओगे तो एक ही बात है आप लिखने का, क्योंकि आप नाइन्थ में पहली बार पढ़ रहे हो, क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना चाहिए कि कॉस इंटू कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा। इसके बाद जैसा मैंने कहा कि टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है वन अपॉन कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है वन अपॉन टेन थीटा होता है। तो बात वही है कि आप दोनों को आप इसको इकट्ठे आप लिख के देखोगे, इसको जब ट्रांसफर करोगे इसके साथ या नीचे वाले को ट्रांसफर करोगे इसके साथ तो मिलके आएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। वो अपना समझाने का तरीका है, पर आप पैटर्न जरूर इसको ध्यान देना, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। इसके बाद एक और है, बच्चों ये जो पहला मैंने बता दिया था ये साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक होता है, वो कॉसेक गलती से लिखा गया था, ये इसको ये पढ़ना बेटा, वो गलती से लिख गया था मैंने देखा उसमें तो लिखा था गलत, उसमें साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक होता है और कॉसेक इक्वल टू वन अपॉन साइन होता है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, वो कॉस नहीं होता, ये पहले मैंने ये लिख दिया था साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस होगा, ये नहीं होगा ध्यान रखना गलती से हो गया था। तो साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक और कॉसेक इक्वल टू वन अपॉन साइन होगा, तो क्या जब इसको शिफ्ट करोगे अपनी तरफ करोगे टू कॉसेक थीटा इक्वल टू वन बोलोगे और दूसरे वाले को लिखोगे, या कॉसेक थीटा इंटू कितना लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा वन, बिल्कुल ध्यान रखना वो पहला वाला गलत हो गया था। ये ऐसा चलता बेटा, उसके बाद एक और फॉर्म में बताता हूँ जो कॉस थीटा बराबर होता है बेटा, यहाँ पे लिखोगे रिवर्स में वन अपॉन सेक थीटा होता है, या सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है
वन अपॉन कॉस थीटा होता है, या इन दोनों को मिलाएंगे तो ऐसा लिखा जाता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना लिखा जाता है, वन लिखा जाता है ना। या आप इसको ऐसा भी लिखो, पहले सेक लिखो इंटू वन अपॉन इंटू कॉस लिखो तो भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन ही कहलाएगी। वो कहने का तरीका है, यदि हम कहेंगे सर ए इज टू बी बराबर वन, तो यहाँ पे बी इज टू ए बराबर भी कितना होगा, वन। क्या है कि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज और है, एक चीज और आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन। तो आप, मैंने पहले फार्मूला बताया था टेन थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा अपॉन कितना होता है कॉस थीटा, या कॉट थीटा बराबर कितना होता है बेटा, यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन कितना लिखा मैंने, साइन थीटा लिखा। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, टेन की जगह क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसकी जगह लिखोगे कॉस थीटा अपॉन कितना लिखोगे, साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कट के उत्तर कितना आएगा, वन। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये वन लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने पे वन आता है, इसलिए इसका एक्चुअल में आइडेंटिटी का मतलब कितना होता है, वन होता है। तो आप बिल्कुल ध्यान दिए रहोगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं बच्चों इस तरीके से कि जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया और ए लिखा, बी और सी लिखा, और ये कोण मैंने थीटा लिखा, और मान लो कि मेरे पास इस भुजा का माप जो है ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको हल करोगे तो 13 आएगी। मान लो कि 13 भी दिया हुआ है। अब हम कहें साइन थीटा का मान कितना है, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कितना होता है कर्ण, पी अपॉन एच, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना है 13। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कितना होता है कर्ण होता है, लिखा है 13। ऐसे याद करने लगोगे तो अपने आप बनने लगेंगे क्वेश्चन। साइन बराबर 5/13, यदि हमने कोण ए माना है, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ, यदि हमने कोण कितना माना है, ए माना है, तो पोजीशन है टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर ऑन बेस होता है, मतलब लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना है 5 और आधार का मान कितना है 12 होता है। इस तरीके से लिखना लिखना पड़ेगा हमको। और इसके बाद कितना होता है कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, बी अपॉन पी होता है, आधार लिखा है 12 और लंब कितना लिखा है 5 होता है। दो और आइडेंटिटी यहाँ पे मैंने लिखा, कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, कॉसेक थीटा की बात करें तो हाइपोटेन्यूस 13 और परपेंडिकुलर कितना होता है 5 होता है। कॉसेक इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस 13 और परपेंडिकुलर 5, एंड sec theta is equal to hypotenuse upon base, कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा 13 बटे कितना हो जाएगा 12। ये छोटे छोटे सवाल हैं और आएंगे एग्जाम में, ऐसे आते हैं, छोटे छोटे सवाल बताऊंगा मैं आपको, बस बनना चाहिए कि कुछ सवाल होते कैसे हैं। मैं आगे 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 टॉपिक बढ़ाता हूँ, इसमें आगे थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मैं आगे बता रहा हूँ बच्चों, छोटी सी बात है और आपको बनना चाहिए। मैं क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है मैंने टेन थीटा इक्वल थीटा को लिखा, रूट थ्री लिखा मैंने, साइन थीटा का और किसका मान ज्ञात करना है, कॉस थीटा का, साइन का मान ज्ञात करना है और कॉस का मान ज्ञात करना है।
दिया कितना बच्चों, दिया कितना है हमारे पास, टेन थीटा बराबर कितना लिखा है, रूट थ्री लिखा है। तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री बटे वन, रूट थ्री अपॉन वन। वन लिखा नहीं जाता पर मान लोगे तो जरूर इसको। ये होता है लंब और ये होता है आधार होता है। इसका मान लंब ये रूट थ्री हो जाएगा और आधार का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। लंब का मान रूट थ्री और आधार का मान कितना हो जाएगा, एक। लंब हुआ रूट थ्री और आधार कितना हो गया, एक। और हमें सबसे पहले किसका मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। सबसे पहले किसका मान निकालना बेटा, कर्ण का मान निकालना है। तो आप कैसे करोगे, त्रिभुज एबीसी में पैथागोरस प्रमेय लगाओगे, यूजिंग बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस प्रमेय को अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो कितना होगा यहाँ पे, पैथागोरस थ्योरम से फार्मूला कितना होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस कितना होता है, लंब का वर्ग। तो कितना होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बताओ, ए बी स्क्वायर प्लस कितना होगा, बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, वन स्क्वायर प्लस कितना होगा, रूट थ्री स्क्वायर। देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस कितना लिखा, थ्री, थ्री प्लस वन कितना होगा, फोर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू फोर, ए सी बराबर अंडर रूट चार, ए सी बराबर दो। इसका मान कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा बेटा। करंट का मान कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। तो यहाँ पे करंट का मान, करंट का मान पर करना इसी तरीके से बच्चों, करना आपको इसी तरीके से, पैटर्न यही कहलाएगा आपका ये पूरा। मैं ऊपर स्लाइड करता हूँ। अब किसका मान ज्ञात करना है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का मान कितना होगा, साइन थीटा होगा रूट तीन बटे दो और कॉस बराबर होगा एक बटे दो। ध्यान देना बच्चों, मैं लिखूंगा, जगह नहीं लिखने के लिए। साइन थीटा का मान कितना होगा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा कितना होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, रूट थ्री, और कर्ण कितना है, दो। कॉस बराबर कितना होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, एक, और कर्ण कितना है, दो। साइन बराबर कितना होगा, लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब रूट थ्री, कर्ण का मतलब दो। यदि हम कहें इनके मान क्या होंगे, मैंने मान निकाला था, उनके मान क्या होंगे बच्चों, मैं बिल्कुल बताता हूँ। देखो, यदि हम कहें कि साइन थीटा का मान कितना होगा, तो लंब बटे कर्ण हो गया रूट थ्री और कर्ण कितना हो गया, दो। और ये कॉस थीटा बराबर कितना होगा, आधार बटे कर्ण, आधार का मान एक और कर्ण का मान कितना हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्यूशन निकल के आएगा। साइन थीटा इक्वल टू लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो रूट थ्री बाय टू, और कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना होगा, वन बाय टू होगा। तो ये बिल्कुल छोटा सा सवाल है, ये आपको बिल्कुल बनना चाहिए, छोटा सा सवाल है, बिल्कुल बनना चाहिए। मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से है बच्चों, साइन अल्फा इक्वल टू, बुक का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, बच्चों को तकलीफ होती, साइन अल्फा इक्वल टू वन बाय टू, और शो दैट, सिद्ध करना है, थ्री कॉस अल्फा माइनस फोर कॉस क्यूब अल्फा अल्फा इक्वल टू जीरो, ये सिद्ध करना बच्चों। थ्री कॉस अल्फा माइनस फोर कॉस क्यूब अल्फा इक्वल टू कितना सिद्ध करना है, जीरो सिद्ध करना है। और दिया कितना, साइन अल्फा इक्वल टू वन बाय टू, दिया कितना है, साइन अल्फा इक्वल टू वन बाय टू, सिद्ध क्या करना है, थ्री कॉस अल्फा माइनस फोर कॉस क्यूब अल्फा इक्वल टू जीरो। सबसे पहला काम करोगे, एक त्रिभुज बनाओगे, त्रिभुज बनाओगे, यहाँ पर इसको अल्फा लिखोगे, और ये ए और बी और सी। अल्फा क्यों लिखोगे बेटा, अल्फा क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि अल्फा इसलिए लिखोगे कि यहाँ पे जो सवाल है वो अल्फा कोण में दिया, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे अल्फा लिखा। लंब बटे कर्ण, लंब एक हो गया और कर्ण कितना हो गया, दो हो गया। बिल्कुल ध्यान देना बच्चों, लंब की वैल्यू कितनी हो गई, एक, और कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई, दो। लंब एक हो गया, कर्ण कितना हो गया,
दो हो गया, लंब का मान एक और कर्ण का मान कितना हो गया दो, और ये नीचे क्या लिखा है यहाँ पे, ये आधार लिखा हुआ है। आपका क्या है, आप करेंगे कैसे कि त्रिभुज किस में लेंगे, यहाँ पे एबीसी में लेंगे त्रिभुज में, यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर पर, तो दिस वन इज टू स्क्वायर और बेस नहीं दिया तो यहाँ पे इसकी जगह हम ए बी स्क्वायर लिख देंगे, और परपेंडिकुलर एक दिया तो एक का वर्ग, ये चार हो जाएगा बच्चों, ये ए बी स्क्वायर प्लस वन, चार माइनस वन इक्वल टू ए बी स्क्वायर, थ्री इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और वर्गमूल लेंगे यहाँ पर ध्यान देना, ए बी स्क्वायर इक्वल टू थ्री होगा, और जब वर्गमूल लेंगे बेटा तो ये प्लस माइनस रूट थ्री होगा, पर चूंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती तो हम इसको मानेंगे केवल रूट थ्री मानेंगे बच्चों ये, और ये जो मान है आधार कितना हो जाएगा इसका, रूट थ्री हो जाएगा, ए बी का मान कितना आ जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा, ध्यान देना बच्चों, मैंने इसको अगले शीट में लेता हूँ मैं, ए बी का मान कितना हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा, जो पैथागोरस थ्योरम से सिद्ध किया बच्चों, बिल्कुल पैथागोरस थ्योरम लगाई, इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है, पैथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन को लिखाया है, साइन अल्फा बराबर आप देखोगे सामने, साइन अल्फा बराबर कितना लिखा है, वन बाय टू, साइन अल्फा बराबर कितना दिया, वन बाय टू, वन वन का मतलब लंब और टू का मतलब कर्ण, वन बाय टू मतलब लंब बटे कर्ण, आधार कितना लिखा है, रूट थ्री लिखा है, वन बाय कितना लिखा है, रूट थ्री लिखा है, इसको हमें सिद्ध करना है, लंब बटे कर्ण और आधार कितना लगेगा, रूट थ्री करना है, जो सिद्ध करना है वो लिखा है थ्री कॉस अल्फा और माइनस फोर कॉस क्यूब अल्फा, ये ऐसे नहीं दिए उस भुजा का मान निकालोगे, सबसे पहले जो भुजा नहीं दी जैसे यहाँ पर आधार नहीं दिया था तो मैंने आधार का मान निकाला, इसके बाद सवाल के हिसाब से मैं सिद्ध करने की इसको प्रयत्न करूंगा, ये सवाल के भुजाओं को मैंने लिखा, पूरा सवाल को लिखना फिर कोई दिक्कत करेगा, ये वन आया था, इसका मान तीन आया था रूट थ्री, और इसका मान दो आया था, और हमको ये सिद्ध करना था बच्चों ये थ्री कॉस अल्फा माइनस फोर कॉस क्यूब अल्फा, इसका मान ज्ञात करना, तो और आप देखोगे ये मेरा अल्फा एंगल था, और बच्चों कॉस अल्फा बराबर होता है बेस, बेस मतलब आधार बटे कर्ण, और बेस का मतलब रूट टू ओनली, कॉस का मान हो जाएगा रूट थ्री बाय टू, आधार बटे कर्ण, आधार का मान रूट थ्री और कर्ण का मान दो है, अब इस हाथ पे रखोगे तीन, इसकी जगह लिखोगे रूट थ्री बाय टू और माइनस फोर, इसकी जगह लिखोगे लगा दोगे, जब हल करते हैं तो तीन का रूट थ्री में गुणा हो जाएगा तो इसी तरीके से आएगा यहाँ पे, और ये फोर लिखा ये पावर तीन है, इसका मतलब हो जाएगा कि रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री अपॉन टू अपॉन टू अपॉन टू, ये सारे मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री रूट थ्री अपॉन टू हो जाएगा, माइनस दो दूनी चार से चार कट जाएगा, रूट थ्री मिलकर तीन हो जाएगा, थ्री रूट थ्री अपॉन टू हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, जीरो। आप नोट करो क्वेश्चन पे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान देना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चन एग्जाम में आया जाता है, आप करें क्वेश्चन को, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन बच्चों अपन लेते हैं, थोड़ा समय बचा है मेरा पास अभी, क्वेश्चन है टेन ए इक्वल टू, टेन ए इक्वल टू थ्री बाय फोर, और हमको सिद्ध करना है, बुक का क्वेश्चन दसवां क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है टेन स्क्वायर ए प्लस
साइन ए इंटू कितना सेक है, इसका मान ज्ञात करना है। जब हम इसकी बात करते हैं, बच्चों ध्यान देना, इसकी बात करते तो टेन टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर का मान 3 हो गया, बेस का मान आधार 4 हो गया, और ये ए लिखा मैंने, कोण बनाया बी, और कितना लिखा सी। सबसे पहले पैथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ पर एसी लिखोगे, इसकी जगह 4 लिखोगे, और यहाँ पर 3, ये 4 दिया है बेटा आधार, और ये लंब का मान 3 दिया है, कोण के सामने की भुजा को लंब लेते हैं, तो एसी स्क्वायर बराबर 16 और प्लस 3, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, तो एसी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25, या एसी कितने हो गए 5 निकल के आएगा, इसका मान कितना आ गया 5 आ गया, एसी का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर आप देखो सवाल में क्या दिया है, ये सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन में आप देखोगे टेन टेन साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो ये 3 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सेक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार हो जाएगा। बस इसको आपको सॉल्व करना है बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बटे 16, 5 से 5 कट जाएगा, ये 3 बटे कितना हो गया 4। बच्चों इसके बाद लघुत्तम कितना आएगा 16, 16 एकम 16, ये 9 हो गया बेटा, 4 चौको 16, 4 तीय 12, 12 और 9 21, 21 बटे 16, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। याद करने का बोलो चाहे सवाल हल करने का एक पैटर्न होता है, और इस पैटर्न को फॉलो करना आपका बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण काम है, और ये चीजें ध्यान रखना है कि साइन का मान क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है, टेन का मान क्या होता है, कॉट का मान क्या होता है, इन्हीं सवालों पे। अब क्या होता है कि अब होता है बच्चे कहते हैं कि याद कैसे करते हैं, याद कैसे करते हैं, तो याद करने का तरीका कुछ नहीं बेटा, जितना ज्यादा सवाल की प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा ये टॉपिक आपको क्या होगा, याद होता चला जाएगा। केवल प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन याद होता है, और उसके जो कंटेंट्स हैं याद होते हैं, केवल ऐसे अलग अलग से नहीं याद होते, कोई कर भी नहीं सकता है। हम लोग भी इसलिए करा लेते हैं कि बार बार सवाल क्लास में पढ़ाते हैं, घर में पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सारी चीजें धीरे धीरे क्या होती है, याद हो जाती है। तो जब भी सवाल करोगे तो साइड में लिखा करो, सवाल किया और साइड में उसके कंटेंट्स को लिखा, तो अपने आप सवाल क्या होगा, याद हो जाएगा। तो बस याद करना तुम्हारे लिए क्या होगा, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज जो भी मैंने पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री का प्रारंभिक था, और मैंने हर तरीके से बताने की कोशिश की कि साइन कॉस और त्रिभुज में कैसे लेते हैं 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल को कैसे घुमा देंगे तो क्या होगा, ये जरूर याद रखना बच्चों। आज की कक्षा में आप हमें आगे दें, है ना, और कभी और मौका मिलेगा तो फिर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।